राम राम राम। देखो तुम्हारी मंडली की बात हमारे पास कैसे आ गई, तुम सोचो। बोलो, मंडली में बात हो रही थी या कि नहीं हो रही थी? अब तुम विचार करो, हमारा वाई फाई कितना। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, स्वयं हनुमान जी आ गए। हनुमान जी का दर्शन जो करेगा साक्षात, बात तो हम लोग नीचे वाले बनाए। किसी का खून क्या लाल है, किसी का काला है, हिंदू का मुस्लिम का क्या? यहाँ एकता का प्रतीक है मेरा हिंदुस्तान। तो क्या जात पात हिंदू मुस्लिम को हट कर देखेंगे इस बार? हाँ, हिंदू एक ना हो जाए, हिंदू एक हो जाएगा तो सब जात के नाम पर भी जो जनगणना की सरकार का आडंबर चल रहा है वो सरकार जिस चश्मे से देखती है, जो चश्मा उनका सांप्रदायिक चश्मा है, वैसे चश्मे को हटाना पड़ेगा और उनको निश्चित तौर पर बिहार की धरती पर स्वागत करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। पूरे भारत में चर्चाओं में अभी बने हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बिहार की पावन भूमि पटना में भी उनका आगमन होने जा रहा है। 13 से 17 मई तक उनका दिव्य दरबार लगेगा। ऐसे में हम आ पहुंचे जनता के बीच, जनता से जानने कि वो अपनी सरकार को कैसे देखेंगे, दिव्य दर्शन कैसे कर पाएंगे। चूँकि पटना के नौबतपुर में उनका 13 तारीख से 17 तारीख तक दिव्य दरबार लगने जा रहा है। रास्ते में एक चाय की दुकान मिली थी। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं किस तरह की वो समर्थक हैं और कैसे वो दिव्य दरबार में जाएंगे। क्या कहते हैं इस बार पहली बार पटना की पावन भूमि में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बार? सबसे बड़ा खुशी की बात यही है, धार्मिक व्यक्ति जो कि खुद उनमें एक इंसानियत है, ऐसा है कि सिर्फ भगवान के तौर पर धरती पर उन्होंने किसी चीज़ को अपने मन में गढ़ के कोई बात बोलते नहीं है, जो उनके दिल से निकलता वो बताते हैं, जो हकीकत जनता को लगता उन पर आस्था विश्वास ऐसा हो गया कि वो किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। वो एक कार्यक्रम मुहिम चलाते हैं समाज हित में, तो जब जहाँ भी पहुँचते हैं तो लाखों लाख की जनसंख्या। आप जाएंगे देखने इस बार मिलने? हम लोग पटना सिटी से हजारों लोग जा रहे हैं, जो 13 से 17 तारीख के कार्यक्रम है नौबतपुर के तरैया गाँव में, उसमें हम लोग यहाँ से जरूर पहुँचेंगे। क्या कहेंगे चाचा जी इस बार? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू एक ना हो जाए, हिंदू एक हो जाएगा तो सब जात के नाम पर भी जो जनगणना की सरकार का आडंबर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को भव्य किया जाए जिसमें हिंदू एक हो जाए। राजनीति गलियारों में भी चर्चा है? राजनीति गलियारों में इसलिए चर्चा है कि जनगणना जो करा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदू जाति में बटा रहे, और करना तो क्या तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है, मुस्लिम अलग है हिंदू अलग है, हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है इसको? कितने मुसलमान भी उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं देखने के लिए। अपनी सरकार को देखने जाएंगे आप? हाँ जरूर जाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आ रहे हैं पटना, पता ही होगा? हाँ पता है, पहले पता था कि वो गांधी मैदान में आएंगे, लेकिन ये बिहार सरकार कहती है कि हम सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म को मानते हैं। ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि गांधी मैदान में पक्का था कि यहाँ कार्यक्रम होगा, उसके बाद गांधी मैदान में कैंसिल कर दिया गया। और गांधी मैदान में नमाज पढ़ने के लिए सही है, लेकिन बागेश्वर महाराज का प्रोग्राम करने के लिए गलत है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार से पूछिए आप, सरकार चाहती है कि ना होवे कार्यक्रम। हम लोगों से जान रहे हैं यहाँ का मूड, जनता का हाल क्या है, जनता क्या सोचती है बागेश्वर धाम के बारे में, पीठाधीश्वर के बारे में। सर क्या कहते हैं इस बार बागेश्वर बाबा पहली बार आ रहे हैं पटना की पावन भूमि पर, उनका दिव्य दर्शन भी होगा, आप भी उनका दर्शन करेंगे? वेलकम है, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बढ़िया है। मैंने समझी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, स्वयं हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन जो करेगा साक्षात, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहते हैं सर, चाय की चुस्की ले रहे हैं इस बार बाबा महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं पटना की पावन भूमि पे, राजनीति गलियारों में चर्चा भी तेज हो चुकी है, हमले भी हो रहे हैं, आप क्या सोचते इस बारे में? देखिए बिल्कुल, ये पाटलिपुत्र की धरती है और साक्षात समझिए कि प्रभु ही आ रहे हैं, जो उनकी दिव्य शक्ति है, जो उनका जिससे समाज का कल्याण हो सकता है वैसी सोच है उनकी, और निश्चित तौर पर बिहार की धरती पर उनका स्वागत है और स्वागत होना भी चाहिए। कुछ विडंबना है जो बिहार सरकार जिस चश्मे से देखती है,
जो चश्मा उनका सांप्रदायिक चश्मा है वैसे चश्मे को हटाना पड़ेगा और उनको निश्चित तौर पर बिहार के धरती पर स्वागत करना पड़ेगा और अच्छा माहौल देना पड़ेगा ताकि बिहार के जनता को उसका लाभ मिल सके। क्या कहते हैं चाचा? हम तो उनका स्वागत करते हैं, जाएंगे देखने मिलने। जाएगा तो मेरे परिवार के बहुत से लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ। समस्या भी सुनी जाएगी, वहाँ पर्ची भी खुलेगी। पर्ची खोल क्या? पर्ची मिलेगी तो ना, वो तो पर्ची सबको नहीं ना मिल जाता। वहाँ 5 लाख आदमी पहुँचेगा, 5 लाख में किसको पर्ची मिलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम ही को मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हिंदू तो हिंदू ना बोलेंगे हम। वो नहीं रहा है ये सरकार, बिहार की सरकार जो वर्तमान परिवेश में जिस तरह की गठबंधन है उनको ऐसा लग रहा है, हो नहीं रहा है। वो तो जो चीज महाराष्ट्र में बोलते हैं, जो चीज मध्य प्रदेश में बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं, वही चीज बिहार में भी बोलेंगे। सब जगह देख लीजिए, मोबाइल में मैं देखता हूँ सिर्फ हिंदू हित की बात करते हैं, कभी भी हिंदू मुस्लिम। हिंदू हित की बात करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, हम हिंदू हैं, अब मुस्लिम है, मुस्लिम है, बोलेगा मुस्लिम कि हम हैं मुस्लिम। सब हिंदू है, हिंदुस्तान में पैदा लेने वाला सब हिंदू है। मानता है कोई सुवर को मानता है, और सबका मालिक एक है। इस राजनीति वाले लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम वोट के चलते ये काम कर रहे हैं, आने नहीं देंगे, ऐसे नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं करने देंगे। क्या इन लोग का मनोपोली है? सिर्फ राजनीति है, वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या हिंदू एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं तो क्या हिंदू राष्ट्र होगा भारत? देखिए होना चाहिए, है ही है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये अब नहीं करें, सभी यहाँ रहने वाले सभी जाति के लोग, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के वासी हैं। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, उसके बाद जो है को जात हूँ। चाचा क्या कहते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं महाराज जी? मैं यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ, कहे कि उनका चुनाव चिन्ह देखिए मेरे हाथ में है, बजरंगबली। जो इसके हाथ में बजरंगबली रहेगा वो बागेश्वर बाबा को इनकार करेगा, बागेश्वर बाबा को इनकार करेगा कभी नहीं। तो जाएंगे देखने मिलने दरबार में? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। हम बहुत भाई थे लेकिन सब गुजर गए, लेकिन अभी भी मेरा 4 भाई मौजूद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम 4ों भाई मिलकर के जाएंगे देखने के लिए, हम 4 भाई हैं। ये एकता का परिचय दे रहे हैं, तमाम जात जातों में ना बटें, और तमाम जात चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर कोई और जाति से हो, सभी लोग मिलकर जाने की बात कर रहे हैं। आइए कुछ और लोग से उनसे ही बात करते हैं। भैया शास्त्री जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, मोबाइल टीवी में तो सुने होंगे उनका नाम। सुने, पटना में भी आ रहे हैं। हाँ। क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या सोच है आपका? बहुत अच्छा आ रहे हैं, जाएंगे देखने के लिए जाएंगे, बहुत अच्छा। पटना के नौबतपुर में आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत करेंगे, जाकर देखेंगे उनको, पूरा परिवार के संग। आस्था रखते हैं? बहुत आस्था रखते हैं। चलिए आस्था रखते हैं। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर इस बार महाराज जी आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, ये हमारे बिहार की धरती का सौभाग्य है कि महाराज जी बागेश्वर महाराज धाम साक्षात बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। ये बिहार के लोगों के परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है, शायद उनके कदम रखने से, बिहार की धरती पे कदम रखने से लोगों की मनोवृत्ति चेंज हो, शायद वो आस्था के प्रति जो है जागे। वो तो आस्था के प्रतीक हैं, वो तो लोगों में हिंदू राष्ट्र की भावना जगाते हैं, भगवान के प्रति आस्था जगाते हैं। वो क्राइम को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? हो सके कि जो है वो यहाँ पे आए, उनका प्रवचन सुन के जो मन बुद्धि है उनको शायद बुद्धि विवेक बढ़िया हो, अपराध से हट के अच्छे रास्ते पे जाएं। और इससे बड़ी क्या बात है कि जो बागेश्वर महाराज धाम जो है उनकी चरण हमारे बिहार की धरती पर पड़ रही है। सर क्या कहते हैं चाचा जी इस बार महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आना चाहिए, हिंदुओं को जगाना चाहिए, हिंदू बहुत पीछे हो रहे हैं और राजनीतिक दलों ने इनको बैक कर दिया है। क्या कारण है? बिहार की धरती कोई राजनीति, बिहार की धरती पर आज जो RJD और जदयू ने जो कुकर्म कर रखा है ऐसा आज तक कोई नहीं किया, कांग्रेस भी कभी नहीं किया था ऐसा। व्यक्ति और कहना है, ईश्वर ने पैदा किया इंसान, किसी ने अभी तक अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने अभी तक ईश्वर को नहीं देखा, भले मौलवी लोग
अल्लाह से मुलाकात उनकी हो जाती होगी या हमारे बगेसर बाबा आ रहे हैं, साक्षात समझ जी के हनुमान जी आ रहे हैं। लेकिन जात पात तो हम लोग नीचे वाले बनाए हैं, किसी का खून क्या लाल है, किसी का काला है, हिंदू का मुस्लिम का क्या? यहाँ एकता का प्रतीक है मेरा हिंदुस्तान। तो क्या जात पात हिंदू मुस्लिम को हट कर देखेंगे इस बार? हाँ, हट कर देखेंगे। यहाँ जात पात होना ही नहीं चाहिए। हम कह दिया, पहले भी आपको बाइट दे चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम तो वोट का राजनीति बना रहे हैं, यहाँ के नेता लोग बना रहे हैं। यहाँ तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, चूंकि दिव्य दरबार है, दरबार में आएंगे लोग, जाएंगे, यहाँ राजनीति कहाँ पे? मैंने देखा है उनके कार्यक्रम में, मोबाइल में एक विकलांग लड़का उनकी माँ लेकर के आई, बागेश्वर बाबा ने कहा कि उसको उठाओ, पैर से चल नहीं सकता था, मैंने उन्होंने उठाया, अकबा धीरे धीरे सहारा दिया, अकबा सीढ़ी पर ले जाने लगे, बागेश्वर बाबा ने कहा कि छोड़ दो, वो लड़का चलने लगा। जय बागेश्वर बाबा, बस कृपा बने बागेश्वर महाराज के। तो यहाँ की लोगों ने सीधा बताया कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, ना हिंदू की बात होगी और ना मुसलमानों की बात होगी, बात सनातन की बात होगी, बात धर्म की होगी, बात आस्था की होगी, और जाहिर सी बात होनी भी चाहिए, अपने अपने धर्मों की, अपने अपने धर्मों की स्वतंत्रता की, हर किसी को अपनी आज़ादी है। पर लेकिन 13 से 17 मई तक क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ के तमाम लोगों ने अपना आस्था प्रकट करते हुए बागेश्वर धाम बाबा पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति उन्होंने अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ कहा कि हम तमाम लोग पटना और पटना सिटी से उनके दिव्य दरबार में पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे, बाबा जी का और महाराज के दिव्य दर्शन का अलौकिक दर्शन करेंगे। अपने कैमरामैन के साथ मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।